अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द डिस्टेंस फार्मूला विच इज डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर और होल अंडर रूट बराबर होता है आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को। आज हमने 9.2 स्टार्ट करनी है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं हम उनको देखते हैं। सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, आपके पास यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। यानी अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट हो, ज़िगज़ैग, कर्व इस तरह की ना हो। तो अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। अगर आप देखें तो ये पी और क्यू जो है ये आपस में कोलिनियर है क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन अगर हम लाइन को इस तरह ड्रॉ करें पी और आर के दरमियान, तो इसका मतलब पी और आर अब एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो पी और आर कोलिनियर है। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, यानी जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं दो पॉइंट्स के दरमियान उनके रिस्पेक्ट से जो एक सेम स्ट्रेट लाइन में है वो कोलिनियर है, जो उस सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो नॉन कोलिनियर है। यानी इसमें अगर आप देखें पी और क्यू आपस में कोलिनियर है लेकिन पी और क्यू आर के साथ कोलिनियर नहीं है, तो हम कह सकते हैं पी और क्यू जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, पी आर और क्यू आर जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू दैट लाइन। ठीक है, अब इस डिस्टेंस फार्मूला से आप ये भी बता सकते हैं, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, कि आपके पास वो जो पॉइंट्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मौजूद हैं कि नहीं है। कैसे बता सकते हैं, अगर आपके पास दो पॉइंट्स का सम तीसरे पॉइंट के बराबर आए तो इसका मतलब है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे यानी कोलिनियर है, और अगर बराबर नहीं आता तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर है। ठीक है, यानी अगर आपके पास मैं कहती हूं कि पी क्यू और ये आर, आर ऊपर की जगह अगर मैं कहूं यहां है, या हमें नहीं पता कि आर किधर है, तो अगर मैं पी क्यू के दरमियान डिस्टेंस लूं, पी आर के दरमियान डिस्टेंस लूं और क्यू आर के दरमियान डिस्टेंस लूं, इन तीनों डिस्टेंस लेकर हम देखेंगे कि दो आपके पास छोटी वैल्यूज कौन सी हैं, उनको ऐड करेंगे, अगर वो तीसरे के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे बराबर है यानी कोलिनियर है, अगर वो एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर है। तो यहां देखिए, इसमें आपकी एग्जांपल में उसने किया हुआ है पी क्यू आर को, इसने आपको पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स की वैल्यूज दी हुई है, डिस्टेंस फार्मूला से उसने पहले पी क्यू भी फाइंड आउट किया है, पी आर भी किया है और क्यू आर भी किया है। उसके बाद उसने जो आपके पास दो बड़ी वैल्यूज थी, छोटी वैल्यूज थी, उनका सम लिया यानी अंडर रूट फाइव और जो पीछे आई थी टू अंडर रूट फाइव, इनको सम किया तो वो थ्री अंडर रूट फाइव के बराबर होगी। इसका मतलब दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम जो है वो तीसरे पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, और अगर वो बराबर नहीं होते तो इसका मतलब है वो नॉन कोलिनियर है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, सबको पता है कि ऐसी ट्राइंगल, ये आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ जो है वो एक दूसरे के बराबर हो, यानी तमाम साइड्स जो हैं वो सेम हो तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का दूसरा नाम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी होता है। यानी अगर साइड्स बराबर हैं तो हमने जैसे चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था तो इसके एंगल्स भी बराबर होंगे, तो इसलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी कहते हैं। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर आपको नहीं पता, आपको सिर्फ पॉइंट्स के नाम वो पॉइंट्स की वैल्यूज दी हुई है और वो आपको कहता है बताएं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंट्स का क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर आपके पास ये देखें ये ट्रायंगल है, हमें नहीं पता ये इक्विलेटरल है या नहीं है, इसके उसने पॉइंट्स के हमें वैल्यूज दे दी, तो अगर आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर तीनों डिस्टेंस जो है वो बराबर आएंगे इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर दो के जो है डिस्टेंस बराबर हो जाएगा और तीसरे का फर्क हो जाएगा तो इसका मतलब ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो, ये भी आपकी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। आइसोसेलस ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल विच हैज टू ऑफ इट्स साइड्स विद इक्वल लेंथ व्हाइल द थर्ड साइड हैज ए डिफरेंट लेंथ।
तो अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दो का बराबर आ जाए तो तीसरे का डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब है वो आइसोसेलस ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल आप कैसे बता सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है? आप पहले तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तीनों पॉइंट्स का। जैसे अगर ये आपके पास ये ट्राइंगल है, हमें नहीं पता ये 90 का एंगल है या नहीं, हम पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो अगर आपके पास जो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट सबसे बड़ी साइड होती है, तो अगर आपके पास इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। आपके पास यहां भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद हम आते हैं स्केलीन ट्रायंगल की तरफ। स्केलीन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती, यानी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, उसको हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसको भी देखने का या हमें वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करो, अगर तीनों डिस्टेंस की वैल्यू जो है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आती है, इसका मतलब वो स्केलीन ट्रायंगल है। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए ये भी बता सकते हैं कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। कैसे बता सकते हैं? अगर आपके पास चार पॉइंट्स हैं, उसने वैल्यू दी हुई है, आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। अगर आप सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करें, और एक बात याद रखें, क्लास मैंने आप लोगों को 8th में भी बताया था कि हमेशा जो वैल्यूज होती हैं उनको हम जो वर्टिसेस के नाम होते हैं वो तरतीब से चलते हैं, या तो ए बी सी डी इधर होगा या ए बी सी डी इधर होगा, कभी ये नहीं होगा कि ए इधर होगा, बी इधर होगा, सी इधर होगा, एक तरतीब से चलता है, या क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो आपके पास हमें पता चल जाएगा, स्क्वेयर बना के देख लें, आपको वैल्यू दी हुई, आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की करनी है, सी डी की करनी है और ए डी की करनी है। अगर चारों साइड्स का डिस्टेंस बराबर आता है तो इसका मतलब वो आपके पास स्क्वेयर है। लेकिन आपके पास कंफर्म हमें कैसे होगा वो स्क्वेयर है? वो तो रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस एक ऐसी आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन उसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो एंगल 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल, या इधर को कर लें, जो मर्जी कर लें, स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। चलें, अगर हमने इधर को एक ड्रॉ कर लिया, तो अब आपने ए सी का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए सी का जब डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास ए सी आपके पास 90 के ऑपोजिट होगा, यानी हाइपोटेनियस होगा, तो आपके पास इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के। अगर ये बराबर आ जाता है तो इसका मतलब, और चारों साइड्स बराबर हैं, इसका मतलब वो स्क्वायर है। अगर रेक्टेंगल को पता करना हो, तो रेक्टेंगल है वो ज्योमेट्रिकल शेप, रेक्टेंगल है, आपने उसके पॉइंट्स, तो क्या करेंगे? अगर दो साइड्स की वैल्यू बराबर हो और दो साइड्स की बराबर हो, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल है। लेकिन वो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी आपके पास एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें आपके पास ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल में 90 का एंगल होता है। तो इसको भी वो वेरीफाई करने के लिए क्या तरीका है कि आप किसी भी साइड पर डायगोनल ड्रॉ करें, उसका भी डिस्टेंस फाइंड आउट करें, वो आपके पास हाइपोटेनियस होगा, उसका स्क्वायर जो है वो दूसरे साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर वो बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल है, और अगर वो बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। तो इस तरह हम डिस्टेंस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें पता करा सकते हैं कि आपके पास पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, आपके पास ट्राइंगल किस किस्म की है, इक्विलेटरल है, स्केलीन है, आइसोसेलस है, राइट एंगल है, या हम ये भी बता सकते हैं कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी एक्सरसाइज 9.2। 9.2 का पहला क्वेश्चन है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। अब उसने आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और एन आइसोसेलस ट्राइंगल। वो कहता है कि ये जो आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, बताएं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या आइसोसेलस ट्राइंगल के।
अगेन मैंने अभी बताया कि अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर डिस्टेंस तीनों बराबर आ गए तो इक्विलेटरल है, अगर दो बराबर आए तो वो आइसोसेलस है। चलें ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। मैं कहती हूं लेट पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के तो वर्टिसेस हैं, लेकिन अब वो कौन से ट्रायंगल है ये हम पता करेंगे कि वो आइसोसेलस है कि वो इक्विलेटरल है। तो P पॉइंट का नाम जो हमें पहला वर्टिसेस की वैल्यूज दी हुई है वो दिए हैं 5-2, Q की वैल्यू क्या है 5-4 और R की है -4-1। अब अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, अब मुझे नहीं पता कि ये इक्विलेटरल है कि आइसोसेलस है, ठीक है, मैंने ये P, ये Q और ये R लिख दिया। P की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5-2, Q की 5-4 और R की -4-1। अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर QR का और फिर PR का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें फॉर्मूला पता है, मैं एक दफा दोबारा लिख देती हूं, x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर। अब x2 कौन सा है, अगर हम PQ में ले रहे हैं तो x2 होगा ये Q की वैल्यू, तो हम लिखेंगे 5-x1 5, y2 क्या है 4 -2 5-5 0 प्लस --+ 4+2 6 6 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं, 0 ऐड भी होगा तो ये ऐसे, तो आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ गई 6। ये आपके पास आ गई पी क्यू की वैल्यू। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू आर की। तो हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने सिर्फ ध्यान ये देना है, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिख रही, आप लोग बार बार लिखिएगा। क्यू आर में अब आपके पास आर जो है वो एक्स टू है, -4-5 का स्क्वायर प्लस 1-4 का स्क्वायर, -4-5 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 81, और -3 का स्क्वायर माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है तो प्लस हो जाती है, 81 प्लस 9 आ जाएगा आपके पास 90, तो ये आपके पास आ जाएगा √90। अब थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आपके पास क्या है पी आर या आर पी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो भी आप लिखें हम इसको पी आर भी कह सकते हैं और आर पी भी कह सकते हैं, लेकिन पी आर हम जनरली इसको पी आर ही लिखते हैं। पी आर में आर अब आपके पास एक्स टू है, तो आप लिख सकते हैं -4-5 का स्क्वायर प्लस 1-2 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 1-3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 81 प्लस 9, अगेन आपके पास आ गया 90 का अंडर रूट। अब आपने ये देखे 90 का अंडर रूट आ गया और आपके पास एक डिस्टेंस जो है वो भी 90 का अंडर रूट आया और एक 6 आया, इसका मतलब इस ट्रायंगल की दो जो है वो डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं एस क्यू आर का डिस्टेंस इज इक्वल टू पी आर, इज नॉट इक्वल टू जो पहला डिस्टेंस आपने लिया था पी क्यू, यानी ये दोनों ट्रायंगल का जो दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस यानी दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस था वो आपस में बराबर है लेकिन पी क्यू के बराबर
नहीं है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास पी क्यू आर जो है, सो पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, या आपने वेरीफाई करना था तो हमने वेरीफाई कर दिया कि पी क्यू आर जो है वो आपके पास एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, ये जो दिए हुए हैं, फॉर्म अ स्क्वायर। आपने बताना है कि जो वर्टिसेस हैं क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, तो मैंने उनका नाम दे दिया ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो फोर साइडेड फिगर होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो आपके पास ये फोर साइडेड तो है क्योंकि फोर साइड के वर्टिसेस दिए हुए, फोर पॉइंट्स दिए हुए, फोर वर्टिसेस दिए हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्क्वायर बना, स्क्वायर नहीं कुछ क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी। मैंने अभी बताया था आपने या तो क्लॉकवाइज लिखना होता है या एंटी क्लॉकवाइज लिखना होता है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस तरह मर्जी लिखें लेकिन एक उसमें लिखें। तो आपने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी सी का करना है, सी डी का करना है और ए डी का करना है। अगर आप ए बी की जगह बी ए का भी कर लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप ए बी बी सी सी डी और ए डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उससे, तो आपने देखना है कि अगर ये चारों साइड्स बराबर होंगी तो ये स्क्वायर है, लेकिन इस वाले में आपने ये आगे खुद कंप्लीट करना है, ये बराबर नहीं होंगी तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने एंगल भी देखना है या नहीं, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये चारों साइड्स बराबर नहीं होंगी तो ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं है, लेकिन इसको आपको कंप्लीट जो है वो खुद करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 1, 3, 4, 2, -2, 6 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपने ये वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल के हैं या नहीं, या शो करना है, ये वेरीफाई नहीं करना, शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें एक एंगल 90 का मस्ट हो, उसकी यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्यू आर का, पी आर का, फिर हमने देखना है पी आर का जब आप जो स्क्वायर है उस वो बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के, तो अगर बराबर होगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर नहीं बराबर होगा तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो मैंने लिख दिया पी क्यू आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, पॉइंट्स के नाम दे दिए पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। यहां वैल्यू लिखने का ये फायदा होता है कि जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाते हैं तो आपको आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूंगी, x2 - x1 यानी 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10 के। ये हमारे पास सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, पी क्यू की। अब हमने निकालनी है पी क्यू आर की। क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अगेन पुट करेंगे क्यू आर -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, -, प्लस साइन माइनस का, -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 52 अंडर रूट, ठीक है। अब आपके पास लास्ट हमारे पास क्या है, पी आर। पी आर में भी कटते हैं, पी आर में -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 तो आपके पास ये आ गया पी आर जो आ गया वो आ गया अंडर रूट 18, ठीक है। अब देखें आपके पास तीनों साइड्स का डिस्टेंस आ गया, तो देखें ये दो हम लिख सकते हैं कि हमने चेक करना है क्योंकि बड़ी साइड क्या आ रही है, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर जो है
वो क्या बराबर होगा पी आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के। तो ये क्या है 52 का स्क्वायर कर हम लें, पी आर आपके पास कितना आया 18 और 10। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 10 आ जाएगा 28, तो जो के बराबर नहीं है। इसका मतलब पी क्यू आर जो है, सो पी क्यू आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब कुछ स्टूडेंट्स को इस पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने पहले, आप देखिए पहले हमने पॉइंट्स के नाम दिए, हमें नहीं पता था कौन सा पॉइंट बड़ा होगा। लेकिन अगर आप यहां देखें हमारे पास पी आर का स्क्वायर, सॉरी क्यू आर, ये क्यू है, क्यू आर का स्क्वायर जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस बन रहा था अगर ये सब अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता। तो अगर हमने यहां, तो हमने सब पहले ही वैल्यूज के लिख दिए, यानी ये हम हाइपोथेटिकली कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो डिस्टेंस की किसकी आएगी। अगर आप लोग ये कर सकते हैं कि अगर आप पहले पॉइंट्स के नाम ना दें, अगर आप देख लें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है, उसके बाद अपने पॉइंट्स को देख लें, यानी क्यू आर आपके पास सबसे बड़ी साइड आ रही है, तो आप इसको क्यू बना लें 4 और 2, और इसको आप P बना लें जो कि था आपके पास 1 और 3। तो ये आपके पास हो जाएगा कि QR आपके पास हाइपोटेन्यूस की साइड थी। ठीक है, तो पहले आप इसको वैसे ही आप फिगर बना लें और उसके बाद उसको पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Use the distance formula to prove whether or not the points lie on a straight line. यानी collinear है कि नहीं, यानी same straight line में है या नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास distance find out करें, दो distance का sum तीसरे के distance के बराबर हो, तो इसका मतलब वो same straight line में बराबर मौजूद है, यानी कि collinear है। अभी हमें नहीं पता, मैंने सिर्फ hypothetically एक ये figure बना दी, आप चाहे तो इसको बाद में भी बना सकते हैं कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो मैंने एबीसी तीन पॉइंट्स हैं, तो आप सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस अगर मैं इनके ऊपर लिखना चाहूं लिख दूं, अगर आप लोग बाद में भी बनाना चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं इसको साइड पे 4, 10 और ये आपके पास -2, -8। तो सबसे पहले आपने ए बी फाइंड आउट किया, ए बी हम फाइंड आउट करेंगे x2 - x1 y2 - y1 वाले फॉर्मूले से, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का फाइंड आउट करें, ए बी यानी -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -8 - 1 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर, इवन पावर है इसलिए -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 81, तो ये आपके पास आ जाएगा 90 के। आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब आप बी सी कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं बी सी कर रही हूं, बी सी में ये वाली वैल्यू यानी 4 - -2 प्लस 10 - -8, तो ये आ जाएगा -+ 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 10 + 8 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36 प्लस 324, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 360 के। ये आपके पास आ गया BC की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड आउट करनी है AC की वैल्यू। AC में 4 - 1 10 - 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 + 81 √90, ये आपके पास आ गया √90।
देखें सबसे बड़ी साइड हमारे पास आ गई अंडर रूट 360 जो कि था BC, तो हमने देखना है कि BC जो है वो बराबर होता है क्या AC प्लस AB के। तो हम चेक करते हैं BC आपके पास है 360 और अगर हम AC लेते हैं तो हमारे पास आया है 90 और ये भी आया है आपके पास 90। तो इनको अगर हम सॉल्व करें 360 को अगर आप 360 को कैलकुलेटर पे करें तो ये आ जाएगा 6 अंडर रूट 10 और 90 को जब अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 10 और 3 अंडर रूट 10। हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास रेडिकल के साथ सेम वैल्यू रेडिकल की है तो हम जो इसके बाहर वैल्यू यानी जो कांस्टेंट होते हैं उनको ऐड करते हैं, यानी आप इसको दूसरे लफ्जों में समझ सकते हैं कि हम अंडर रूट 10 कॉमन ले रहे हैं तो 3 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 6 और 6 अंडर रूट 10 जो है वो 6 अंडर रूट 10 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में बराबर है। सो हम लिखेंगे ए बी एंड सी आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन या लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो यही आपने उसको प्रूफ करना था, तो आपने यहां प्रूफ कर लिया कि वो ए बी एंड सी आर लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट 37 एंड 91। तो मैंने कहा कि पी क्यू आर हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं और पॉइंट पी जो है वो इक्विडिस्टेंस है क्यू और आर के, यानी पी क्यू और पी आर बराबर होंगे क्योंकि पी इक्विडिस्टेंस है क्यू आर से। तो पी क्यू के साथ जब बनेगा और पी आर के साथ तो वो इक्विडिस्टेंस होंगे, यानी पी क्यू का डिस्टेंस अगर हम इसको बनाएं तो वो आपको कह रहा है कि पी जो है वो क्यू और आर से इक्विडिस्टेंस है, यानी ये डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के बराबर है, यानी पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है। तो अगर आपके पास पी आर और पी क्यू बराबर है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू का डिस्टेंस पी आर के डिस्टेंस के बराबर है। तो आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम पी क्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम पी आर फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों की वैल्यूज को इज इक्वल टू एक दूसरे के बराबर पुट करेंगे तो आपके पास अननोन वैल्यू यानी के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर आप पॉइंट्स लिखें, ये 2k है, q हमने लिखा है 37 और r है 91। तो सबसे पहले हम pq फाइंड आउट करते हैं, x2 माइनस x1 pq फाइंड आउट करने, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया PQ। अब हमने फाइंड आउट करना है Q PR, PR में पी आर 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर, 9 माइनस 2 यानी 7 का स्क्वायर 1 माइनस k का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49 प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर। चाहे आप इधर ही फॉर्मूला खोल लें, चाहे आप एक दूसरे इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर यानी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे के बराबर करके भी फॉर्मूला खोल सकते हैं। तो मैं पहले दोनों को बराबर कर लूंगी और फिर फॉर्मूला ओपन करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास पी क्यू जो है वो बराबर है पी आर के, तो पी क्यू आपके पास क्या है 1 प्लस 7 माइनस k का होल स्क्वायर, 49 प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें ये दोनों आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो अगर आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये आपके पास कट जाएगा। तो मैं लिखती हूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद हम फॉर्मूला ओपन करेंगे।
आपने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर, 49 प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। अब फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल के स्क्वायर, ए स्क्वायर डायरेक्ट खोल रही हूं, 49 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 7 टू 14 के प्लस के स्क्वायर, 49 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस के स्क्वायर। ये आपके पास आप सारी वैल्यू उधर ले आए, 1 प्लस 49 चले इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया 50 माइनस 14k प्लस के स्क्वायर, ये भी आ गया 50, ये इधर आएगा माइनस 50 प्लस 2k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस के स्क्वायर इससे कट गया, 50 इससे कट गया, आपके पास आ गया माइनस 14 के में आ जाएगा माइनस 12k इज इक्वल टू 0, तो k जो है वो 0 बाय माइनस 12 जो है वो आपके पास आ जाएगा 0, तो आपके पास k की वैल्यू जो है वो क्या आई, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली जो कि क्या है 0। इस तरह आपने दो पॉइंट्स, अगर आपके पास इक्विडिस्टेंस था तो आपने कंडीशन अप्लाई करके अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, Use distance formula to verify that the points are collinear. आपने ये verify करना है कि ये collinear है, जैसे हमने question number 4 में किया था कि वो same straight line में और collinear है, तो ये एक ही बात है। तो आपने क्या करना है, आपको तीन points दिए हुए हैं, इनके दरमियान distance find out करना है, फिर आपने उसकी figure draw करनी है, यानी आपके पास जो एक point जो है वो दोनों का sum, जिस तरह हमने question number 3 में किया था कि 3 में आपको पता चल गया था कि BC की लेंथ बड़ी थी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि BC साइड पे आएंगे और जो एक पॉइंट दूसरा है जो उसमें मौजूद नहीं है वो मिड में होगा। इस तरह आपने इसमें भी ये करना है कि पहले फिगर ड्रॉ नहीं करनी, पहले आपने देखना है कि आपके पास डिस्टेंस किसका बड़ा आता है, ABC रख लें नाम, PQR रख लें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने देखना है जो लेंथ आपके पास बड़ी होगी इसका मतलब वो साइड पे है पॉइंट्स और दूसरा वाला सेंटर में है, फिर आपने बताना है कि क्या दोनों का सम डिस्टेंस का बड़े के डिस्टेंस के बराबर है, अगर बराबर है तो वो कोलिनियर है, अगर नहीं बराबर तो वो नॉन कोलिनियर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद करेंगे। होप कि आपको 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।